एमएस वर्ड की इस वीडियो में आज हम जानेंगे कमेंट के बारे में। जब आप कमेंट पे क्लिक करोगे तो राइट साइड में यहाँ पर आपके पास पेन आ जाएगा और आप किसी भी टेक्स्ट पे या किसी भी पैराग्राफ पे या किसी भी स्पेसिफिक वर्ड पे आप कमेंट दे सकते हो। इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में रैंडम टेक्स्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने रैंडम टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर देखिए मैंने टेक्स्ट इंसर्ट कर लिया। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ इस पैराग्राफ पे कमेंट देना, तो मैंने अपने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करा, इसके बाद कमेंट पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में कमेंट का पेन आ गया, नेविगेशन पेन, और यहाँ पर मैं कमेंट टाइप कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने कमेंट दे दिया। यहाँ पर देखिए रिप्लाई और रिजॉल्व दो ऑप्शन मिलते हैं। रिजॉल्व पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए ये कमेंट ऐड हो जाएगा। रिप्लाई अगर आप चाहते हो इसके अंदर कुछ और कमेंट देना तो आप वो भी लिख सकते हो, जैसे कि ओके लिख दिया और यहाँ पर रिजॉल्व कर देंगे तो देखिए यहाँ पर ये हमारा कमेंट उसमें ऐड हो गया। आप अगर चाहते हो किसी स्पेसिफिक वर्ड पे कमेंट देना तो यहाँ पर मैंने प्रोफेशनली सेलेक्ट करा, कमेंट पे क्लिक करा तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कि आई एम प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपर, मैंने कुछ इस तरीके से लिखा। रिजॉल्व पे क्लिक करा तो वो कमेंट भी हमारा ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहते हो कमेंट को रिमूव करना या डिलीट करना, तो इसके लिए देखिए हमारे पास हमको जाना पड़ेगा रिव्यू टैब में और यहाँ हमें कमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि देखिए शो कमेंट्स, तो राइट साइड में देखिए ये सारे कमेंट्स शो हो रहे हैं। अगर आप इसको यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो आपके जितने भी कमेंट हैं वो यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। यहाँ पर आपको कमेंट के आइकन मिलेगा, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कमेंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपने कमेंट एडिट वगैरह कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर शो कमेंट पर क्लिक करोगे तो आपके सारे कमेंट यहाँ पर शो होंगे। प्रीवियस और नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका कमेंट होगा नेक्स्ट वो दिखाएगा, और अगर आप प्रीवियस पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका प्रीवियस कमेंट होगा पीछे का ये वो कमेंट दिखाएगा। इसके अलावा डिलीट का ऑप्शन मिलता है, तो डिलीट मिल रहा है और डिलीट कमेंट इन डॉक्यूमेंट। डिलीट पे क्लिक करोगे, जैसे कि मैं इस कमेंट को डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट, तो देखिए वो कमेंट मेरा डिलीट हो गया। और अगर आप यहाँ पर डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो जितने भी कमेंट है आपके डॉक्यूमेंट्स में वो सभी कमेंट रिमूव हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कोई एक न्यू कमेंट देना तो आप रिव्यू टैब में जाके भी दे सकते हो। न्यू टैब पे न्यू कमेंट पे आपको क्लिक करना है, जैसे मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करा और न्यू कमेंट पे क्लिक करा तो देखिए यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो और यहाँ पर मैं रिजॉल्व पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये कमेंट ऐड हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको कमेंट्स के बारे में बताया, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।